अब हम प्रॉब्लम नंबर 7 देखेंगे। देखिए यहां पे क्या बोल रहा है, द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एट अ पॉइंट इन इलास्टिक मटेरियल आर 200 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर टेंजाइल, 100 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर टेंजाइल, 50 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर कंप्रेसिव। इफ द स्ट्रेस एट इलास्टिक लिमिट इन सिंपल टेंशन इज 200 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, डिटरमाइन वेदर द फेलियर ऑफ द मटेरियल विल ऑकर और नॉट अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम शियर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी। म्यू की वैल्यू आपको दिया है, हमें पता लगाना है कि मटेरियल अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी फेल होगा या नहीं होगा। तो देखिए हम जानते हैं कि कंडीशन क्या है, हम जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम प्रिंसिपल शियर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी मटेरियल तब फेल होता है जब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है। तो यहाँ पे देखिए आपको सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3, सिग्मा टी और म्यू की वैल्यू आपको सब दी है, तो म्यू की तो जरूरत अपने को इस प्रॉब्लम में पड़ेगी नहीं। तो यहाँ पे देखिए हमने सिग्मा 1 पुट कर दिया, सिग्मा 2 पुट कर दिया, सिग्मा 2 पुट कर दिया, सिग्मा 3, सिग्मा 3 आपका कॉम्प्रेसिव है इसलिए माइनस में पुट करा, फिर सिग्मा 3 पुट करा, सिग्मा 1 पुट करा, सिग्मा टी एस्ट्रिक आपको दिया है, स्ट्रेस एट इलास्टिक लिमिट आपको दिया है। इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड आपका आएगा 95,000 आएगा और राइट साइड आपका आएगा 80,000। तो देखिए आपका ये ज्यादा है, इट इज ग्रेटर देन राइट हैंड साइड, ठीक, तो मतलब क्या होगा, फेलियर विल ऑकर हो जाएगा। ये क्या बोल रहा है कि मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, मैक्सिमम प्रिंसिपल शियर स्ट्रेन की वैल्यू इन ए मटीरियल ज्यादा आ रही है, किससे, शियर स्ट्रेन एट इलास्टिक लिमिट, शियर स्ट्रेन एट इलास्टिक लिमिट से ज्यादा आ रही है, इसलिए मटेरियल आपका क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। फिर हम आगे बढ़ते अगला प्रॉब्लम देखते हैं। तो देखिए काफी अच्छा प्रॉब्लम है, पूरे कंसेप्ट का रिवीजन हो जाएगा। द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एट अ पॉइंट इन ए इलास्टिक मटेरियल आर दिया हुआ है आपको, 220 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर टेंजाइल, 110 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर टेंजाइल, 55 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर कंप्रेसिव। इफ द इलास्टिक लिमिट इन द सिंपल टेंशन, स्ट्रेस एट इलास्टिक लिमिट आपको दिया है, म्यू की वैल्यू दिया है, हमको पता करना है फेलियर ऑफ द मटेरियल विल ऑकर अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, मैक्सिमम शियर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, इन इसके अकॉर्डिंग हमको पता करना है। ठीक, हम करते हैं इसको एक एक करके। तो देखिए आपको ये वैल्यूज दिया हुआ है तो हम अपनी कंडीशन को सेटिस्फाई करते जाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी क्राइटेरियन फॉर फेलियर क्या है, अगर सिग्मा 1 की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू हो जाए सिग्मा टी एस्ट्रिक के तो मटेरियल फेल हो जाएगा। तो सिग्मा 1 आपको दिया है 220 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, सिग्मा टी कितना है 220, दोनों बराबर है, मतलब फेलियर ऑफ द मटेरियल विल ऑकर अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी। सेकंड हमको मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी से पता करना है कि मटेरियल फेल होगा या नहीं होगा। तो हम जानते हैं क्राइटेरियन ऑफ फेलियर क्या है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अगर सिग्मा 1 माइनस म्यू टाइम सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 3 की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू हो जाए सिग्मा टी एस्ट्रिक के तो मटेरियल फेल हो जाएगा। तो देखिए सिग्मा 1 यहाँ पुट कर दिया, म्यू यहाँ पुट कर दिया, सिग्मा 2 पुट कर दिया, सिग्मा 3 पुट कर दिया, सिग्मा टी एस्ट्रिक आपको दिया है, तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा 203.5 इज लेस देन 220। स्ट्रेस एट इलास्टिक लिमिट से इसकी वैल्यू क्या आ रही है, कम आ रही है, सिग्मा टी एस्ट्रिक से इसकी वैल्यू क्या आ रही है, कम आ रही है, तो सेकंड केस में फेलियर विल नॉट ऑकर, द मटेरियल विल नॉट फेल अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी, बट द मटेरियल विल फेल अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी। अब हम तीसरी थ्योरी को देखते हैं। अब ये बोल रहा है अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी के अकॉर्डिंग मटेरियल फेल होगा या नहीं होगा, तो हम क्राइटेरियन ऑफ फेलियर जानते हैं, दैट इज सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू हो जाए सिग्मा टी एस्ट्रिक के तो मटेरियल फेल हो जाएगा।
it is the major principal stress and it is the minor principal stress. तो देखिए ये तो आपका मेजर हो गया और ये नेगेटिव में है, कॉम्प्रेसिव है इसलिए क्या हो गया, माइनर हो गया। तो देखिए सिग्मा थ्री आपका कॉम्प्रेसिव है इसलिए यहाँ पे मैंने माइनस लिखा है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 275 आ जाएगा। 275 इज ग्रेटर देन सिग्मा टी एस्ट्रिक इज ग्रेटर देन 220। तो अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम प्रिंसिपल शियर स्ट्रेस थ्योरी फेलियर विल ऑकर, मटेरियल आपका फेल हो जाएगा। फिर दो थ्योरी और बचती है उसके अकॉर्डिंग भी अपन देखते हैं। अब अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी हमको पता करना है कि मटेरियल फेल होगा या नहीं होगा। तो देखिए इसका भी हम क्राइटेरियन ऑफ फेलियर जानते हैं, हम ये जानते हैं, ये इक्वेशन का आपने डेरिवेशन किया था। तो देखिए ये अगर इक्वेशन सेटिस्फाई होगी तो मटेरियल आपका फेल हो जाएगा। तो इस इक्वेशन में मैंने सिग्मा वन सिग्मा टू सिग्मा थ्री म्यू की वैल्यू, सिग्मा वन सिग्मा टू की वैल्यू, सिग्मा टू सिग्मा थ्री की वैल्यू, सिग्मा थ्री सिग्मा वन की वैल्यू और सिग्मा टी एस्ट्रिक की वैल्यू देके यहाँ पे मैंने पुट कर दिया। पुट करने के बाद जब आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, 59,895। और सिग्मा टी एस्ट्रिक का होल स्क्वायर जब इसको जब आप सॉल्व करेंगे 220 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 48,400। तो देखिए इसकी वैल्यू ग्रेटर है इससे, तो अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी फेलियर विल ऑकर, मटेरियल फेल हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। अब देखिए हमको अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम प्रिंसिपल शियर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी पता करना है कि मटेरियल फेल होगा या नहीं होगा। तो हम क्राइटेरियन फॉर फेलियर जानते हैं, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो मटेरियल आपका फेल हो जाएगा नहीं तो नहीं होगा। तो यहाँ पे सिग्मा वन सिग्मा टू सिग्मा थ्री और सिग्मा टी की वैल्यू आपको दिया है। तो देखिए सिग्मा वन सिग्मा टू सिग्मा टू सिग्मा थ्री कंप्रेसिव है इसलिए निगेटिव पुट करा, सिग्मा थ्री और सिग्मा वन और टू टाइम सिग्मा टी। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू इतनी आएगी 1,14,950 और राइट साइड की आई 96,800। मतलब ये ज़्यादा है, इसकी वैल्यू ग्रेटर है, इसकी वैल्यू ग्रेटर है किससे, 2 सिग्मा टी एस्ट्रिक के होल स्क्वायर से। तो अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम प्रिंसिपल शियर स्ट्रेन थ्योरी फेलियर विल ऑकर, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी मटेरियल आपका फेल हो जाएगा। तो देखिए फेलियर इसके कारण भी हो रहा है, इसके कारण भी हो रहा है, इस थ्योरी के कारण भी हो रहा है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी फेलियर आपका नहीं हो रहा है और इसके कारण भी फेलियर ऑकर हो रहा है। फिर हम अगले प्रॉब्लम पे आते हैं, प्रॉब्लम नंबर 9th। ये काफी अच्छा प्रॉब्लम है। तो देखिए डिटरमाइन द डायमीटर ऑफ ए बोल्ट अपने को निकालना है विच इज सब्जेक्टेड टू एक्सियल पुल ऑफ 9 kN टूगेदर विथ ए ट्रांसवर्स शेयर फोर्स ऑफ 4.5 kN यूजिंग मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी, मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेन थ्योरी। तो हमको डायमीटर ऑफ द बोल्ट निकालना है, ठीक हम करते हैं इसको। तो देखिए हमें क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में आपको दिया है एक्सियल पुल दिया है, आपको ट्रांसफर शियर फोर्स दिया है, इलास्टिक लिमिट पे टेंशन दे, इलास्टिक लिमिट पे आपको स्ट्रेस की वैल्यू दिया है, स्ट्रेस एट इलास्टिक लिमिट, फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया है, म्यू आपको दिया है। अब देखिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपको दिया है और स्ट्रेस एट इलास्टिक लिमिट दिया है तो आप परमिसिबल स्ट्रेस निकाल सकते हैं, सेफ स्ट्रेस निकाल सकते हैं। तो सिग्मा टी आप कैसे निकालेंगे, परमिसिबल या सेफ स्ट्रेस कैसे निकालेंगे, सिग्मा टी एस्ट्रिक डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी या सेफ्टी फैक्टर। तो ये तो आपको दिया है सिग्मा टी एस्ट्रिक 225 को मैंने क्या करा 3 से डिवाइड कर दिया, तो आपका सेफ स्ट्रेस आ गया, परमिसिबल स्ट्रेस आ गया, दैट इज 75 N/mm². अब देखिए हमें प्रिंसिपल स्ट्रेस पहले निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले हम टेंजाइल स्ट्रेस निकाल लेते हैं, टेंजाइल स्ट्रेस सिग्मा कैसे निकालेंगे, पी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, पी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, पाई बाय 4 d² होगा,
पी देखिए आपको दिया हुआ है, एक्सियल पुल आपको दिया है 9000 न्यूटन डिवाइडेड बाय पाई बाय 4d² कर देंगे तो देखिए टेंजियल स्ट्रेस आपको निकल के आ गया है। ये टेंजाइल स्ट्रेस कितना आया 11459 डिवाइडेड बाय d², ये टेंजाइल स्ट्रेस है। अब हम क्या निकालेंगे, शियर स्ट्रेस निकालेंगे। शियर स्ट्रेस निकालेंगे तो शियर फोर्स को लेना पड़ेगा, शियर फोर्स लेंगे टाउ इक्वल टू पी डिवाइडेड बाय पाई बाय 4d² तो शियर फोर्स की वैल्यू देखिए क्वेश्चन में दिया है 4500 डिवाइडेड बाय पाई बाय 4d² कर देंगे तो इससे टाउ आपका निकल के आएगा, शियर स्ट्रेस निकल के आपका आ जाएगा इतना, और टेंजाइल स्ट्रेस आपका निकल के आ गया, वो निकल के आ गया इतना। अब हम क्या निकाल सकते हैं, प्रिंसिपल स्ट्रेस निकाल सकते हैं। प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालने का फॉर्मूला आप लोग पढ़ चुके हैं, इसका डेरिवेशन भी देख चुके हैं। तो देखिए सिग्मा वन इज द मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, सिग्मा टू इज द माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। सिग्मा वन सिग्मा टू निकालना तो क्या करेंगे, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाय 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। जब प्लस लेंगे तो सिग्मा वन आ जाएगा, जब यहाँ पे माइनस लेंगे तो सिग्मा टू आपका निकल के आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे सिग्मा एक्स तो सिग्मा के जितना है लेकिन सिग्मा वाई कितना है आपका, जीरो है, सिग्मा वाई जीरो है और टाउ एक्स वाई टाउ के जितना हो जाएगा। तो आपका ये जो फॉर्मूला है ये बन गया, सिग्मा वन एंड सिग्मा टू निकालना तो क्या लिखेंगे, सिग्मा वाई तो आपका जीरो हो गया, इसको हटा देते हैं, ये जीरो हो गया, क्या हो गया सिग्मा बाई 2 प्लस माइनस अंडर रूट सिग्मा बाई 2 का होल स्क्वायर टाउ एक्स वाई कितना है टाउ स्क्वायर हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, वैल्यू को पुट कर देंगे। देखिए सिग्मा वन की वैल्यू आपने ऊपर निकाला और टाउ की वैल्यू भी आपने ऊपर निकाला। देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये सिग्मा की वैल्यू है और ये टाउ की वैल्यू है। इन दोनों वैल्यू को देखिए मैं इस फॉर्मूले में पुट कर रहा हूँ, इन दोनों वैल्यू को सिग्मा की वैल्यू यहाँ पुट कर दिया, सिग्मा की वैल्यू यहाँ पुट कर दिया, टाउ की वैल्यू यहाँ पुट कर दिया। तो देखिए यहाँ पे आ गया सिग्मा वन एंड सिग्मा टू इक्वल टू दिस प्लस माइनस दिस। जब प्लस वाली वैल्यू आप लेंगे तो सिग्मा वन आपका इतना आ जाएगा, जब माइनस वाली वैल्यू आप यहाँ लेंगे तो सिग्मा टू की वैल्यू यहाँ पे निगेटिव में आ जाएगी। तो देखिए प्रिंसिपल स्ट्रेसेस जो आपको बोल्ट में मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, सिग्मा वन सिग्मा टू और जीरो मिल रहा है। सिग्मा वन आपका ये है, इट इज द मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस। ये सिग्मा टू है, इट इज द माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस, निगेटिव में मतलब ये जीरो से भी कम है। और तीसरा वाले को आप क्या लेंगे, जीरो। तो देखिए सिग्मा वन सिग्मा टू मिल गया आपको, ठीक है। तो अपन क्या कर सकते हैं, अब डायमीटर निकाल सकते हैं। अब हम करते हैं, ये वैल्यू आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए सिग्मा वन है सिग्मा टू है, सिग्मा टी क्या है, सेफ स्ट्रेस परमिसिबल स्ट्रेस, ये आप निकाल चुके हैं। ये सिग्मा थ्री है, ये म्यू है। तो अगर आपको डायमीटर निकालना है अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी तो उस केस में क्या होता है, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस की वैल्यू इक्वल टू सेफ स्ट्रेस या परमिसिबल स्ट्रेस के हम इक्वेट करते हैं। तो ये सिग्मा वन है जो आप निकाल चुके हैं इक्वल टू सिग्मा टी, सिग्मा टी आपका कितना है 75, इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो डायमीटर आपका आ जाएगा 13.6 mm। अगर डायमीटर आपको मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी से निकालना है तो ये कंडीशन है, सिग्मा वन माइनस म्यू टाइम सिग्मा टू प्लस सिग्मा थ्री की वैल्यू इक्वल टू सेफ स्ट्रेस या परमिसिबल स्ट्रेस के जितना होना चाहिए। यहाँ पे सिग्मा वन की वैल्यू पुट कर दिया, म्यू की वैल्यू पुट कर दिया, सिग्मा टू पुट कर दिया, सिग्मा थ्री जीरो है और सिग्मा टी आपने निकाल चुके हैं, दैट इज 75 newton per mm square। इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ डायमीटर 13.92 mm। तीसरा हमको डायमीटर इसका निकालना है अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, तो इसके अकॉर्डिंग डायमीटर निकालना है तो हम क्या लिखते हैं, सिग्मा वन माइनस सिग्मा थ्री इक्वल टू सिग्मा टी, इट इज द मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड दिस इज द माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। माइनर में सिग्मा टू भी हो सकता है और सिग्मा थ्री भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए सिग्मा टू आपका माइनर है क्योंकि ये निगेटिव में है, निगेटिव है तो जीरो से भी कम है। तो इस वाले फॉर्मूले को मैंने क्या लिख दिया, सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू इक्वल टू सिग्मा टी। तो ये सिग्मा टू पुट कर दिया, ये सिग्मा वन की वैल्यू और सिग्मा टू की वैल्यू देखिए मैंने निगेटिव पुट करा है क्योंकि सिग्मा टू आपका क्या है, कंप्रेसिव है, निगेटिव आया था, निगेटिव पुट करेंगे। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो यू विल गेट द डायमीटर, ये जो डायमीटर आपने निकाला है ये अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये डायमीटर आपने निकाला है।
अभी दो थ्योरी और हैं, उनके अकॉर्डिंग भी डायमीटर हमको निकालना है। अब हम देख रहे हैं मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी से हम डायमीटर निकाल रहे हैं। तो हम जानते हैं डिजाइन क्राइटेरियन, हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी हमने इसका डेरिवेशन किया है, दैट इज सिग्मा वन का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा टू का होल स्क्वायर माइनस टू म्यू सिग्मा वन सिग्मा टू इज इक्वल टू सिग्मा टी का होल स्क्वायर। सिग्मा टी इज अवर सेफ स्ट्रेस। यहाँ पे देखिए सिग्मा वन की वैल्यू मैंने पुट कर दिया, यहाँ पे मैंने सिग्मा टू की वैल्यू पुट कर दिया, म्यू की वैल्यू देखिए आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, फिर यहाँ पे सिग्मा वन सिग्मा टू पुट कर दिया। सिग्मा टी आप जानते हैं दैट इज 75 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको डायमीटर मिल जाएगा। ये जो डायमीटर मिला है वो अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी से आपको मिला है। अब अपने को डायमीटर निकालना है अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम शियर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी। तो देखिए ये वाला जो डिजाइन क्राइटेरियन है इसका डेरिवेशन किए थे आप, देखिए सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा टू माइनस सिग्मा थ्री का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा थ्री माइनस सिग्मा वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू टू इंटू सिग्मा टी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे पुट कर देंगे, ये सिग्मा वन हो गया, सिग्मा टू हो गया, ये सिग्मा टू हो गया, सिग्मा थ्री आपका जीरो हो गया, सिग्मा थ्री आपका जीरो है, ये सिग्मा वन है और सिग्मा टी देखिए आप निकाल चुके हैं दैट इज 75। ठीक, जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो यू विल गेट द डायमीटर अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम शियर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी। तो आपको अगर डिजाइन करना है या किसी चीज का डायमीटर निकालना है तो आपको ये कंडीशंस ध्यान में होनी चाहिए। ये कंडीशन ध्यान में है तो अकॉर्डिंग टू एनी थ्योरी आप क्या कर सकते हैं, डायमीटर निकाल सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की ओर। अब हम प्रॉब्लम नंबर 10th देखेंगे। मैं सीधे सोल्यूशन पे आऊंगा, आप वीडियो को रोक के इसको ट्राई कीजिएगा। तो देखिए सिंपल प्रॉब्लम है, देखिए इसमें ये कह रहा है एट अ सेक्शन ऑफ ए बाइल्ड स्टील शाफ्ट द मैक्सिमम टॉर्क इज गिवन इतने न्यूटन मीटर एंड मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इज गिवन इतने न्यूटन मीटर। द डायमीटर ऑफ द शाफ्ट इज 90 mm एंड द स्ट्रेस एट द इलास्टिक लिमिट इन सिंपल टेंशन फॉर द मटेरियल ऑफ द शाफ्ट इज गिवन 220 न्यूटन पर mm स्क्वायर। डिटरमाइन वेदर द फेलियर ऑफ द मटेरियल विल ऑकर और नॉट अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, इफ नॉट देन फाइंड द फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो देखिए आपको मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू दिया हुआ है न्यूटन मीटर में, तो इसको न्यूटन एमएम में कन्वर्ट करके अपन लिखेंगे। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट भी न्यूटन मीटर में दिया है, इसको भी न्यूटन एमएम में पुट कर देंगे। अपने को इलास्टिक लिमिट पे शियर स्ट्रेस की वैल्यू दिया है, डायमीटर भी दिया हुआ है। तो देखिए मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, ये फॉर्मूले का डेरिवेशन हमने जब टॉर्सन ऑफ शाफ्ट सब्जेक्ट टॉपिक पढ़ा था तो उस समय मैंने आपको ये करके बताया था। तो देखिए जब आपको मैक्सिमम टॉर्क दे के रखे, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट दे के रखे और उस केस में अगर आपको मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालना है तो उसका फॉर्मूला है सिग्मा वन इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाय पाई डी क्यूब इन ब्रैकेट एम प्लस अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे डायमीटर इज गिवन 90 mm पुट कर दिया, एम की वैल्यू न्यूटन मीटर में था, 1000 से मैंने मल्टीप्लाई करके न्यूटन mm में पुट कर दिया, इसको भी न्यूटन mm में पुट कर दिया, इसको भी न्यूटन mm में मैंने पुट कर दिया। तो इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको सिग्मा वन की वैल्यू मिल जाएगी 104.115 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब जब प्लस की जगह यहाँ पे अगर आप माइनस लिख देंगे तो माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस की वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी। तो ये फॉर्मूला है जिसका डेरिवेशन आप टॉर्सन ऑफ शाफ्ट में किए हैं, दैट इज 16 डिवाइडेड बाय पाई डी क्यूब एम, यहाँ पे माइनस आ गया अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। यहाँ पे भी आप डी की वैल्यू एम की वैल्यू और टी की वैल्यू सब पुट कर देंगे तो यू विल गेट सिग्मा टू। सिग्मा टू आपका देखिए निगेटिव आ रहा है, मतलब सिग्मा टू आपका क्या है, कंप्रेसिव स्ट्रेस है, निगेटिव है मतलब कंप्रेसिव स्ट्रेस आ रहा है। अब हमें मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस निकालना है तो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस का भी आप फॉर्मूला जानते हैं, टाउ इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाय पाई डी क्यूब इन ब्रैकेट एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। तो आपने क्या क्या निकाल लिया, आपने मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस निकाल लिया और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस वैल्यू निकाल लिया। मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस निकालने की जरूरत पड़े तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं।
अब हमें तो पता करना है कि ये मटेरियल आपका फेल होगा या नहीं होगा अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी। हम जानते हैं अगर सिग्मा वन माइनस सिग्मा थ्री की वैल्यू अगर ग्रेटर और इक्वल टू हो जाए सिग्मा टी स्ट्रिक के तो मटेरियल आपका फेल हो जाता है अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी। तो देखिए सिग्मा वन आप निकाल लिए हैं, सिग्मा टू आपका जीरो है, सिग्मा थ्री आप निकाल लिए हैं, सिग्मा थ्री कंप्रेसिव है इसलिए माइनस है। अब देखिए सिग्मा वन की वैल्यू पुट कर दिया माइनस, देखिए सिग्मा थ्री की वैल्यू मैंने निगेटिव पुट करा है क्योंकि ये क्या है कंप्रेसिव है, ठीक है निगेटिव आया भी था निगेटिव पुट कर देंगे। अब देखिए इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 137.5 इज लेस देन सिग्मा टी, सिग्मा टी कितना आपका 220 है तो इसमें क्या होगा फेलियर ऑफ द मटेरियल विल नॉट ऑकर, मटेरियल आपका फेल नहीं होगा। अब हमें क्या निकालना है इसके बाद फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालना है। हम जानते हैं आपका डिजाइन क्राइटेरियन क्या है दैट इज सिग्मा वन माइनस सिग्मा थ्री इक्वल टू सिग्मा टी, हमको सिग्मा टी अभी पता नहीं है, हमें सेफ स्ट्रेस और परमिसिबल स्ट्रेस पता नहीं है तो पहले वो निकालना पड़ेगा। क्या निकालने के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालने के लिए सिग्मा टी की वैल्यू हमको निकालना पड़ेगा। तो सिग्मा वन माइनस सिग्मा थ्री इक्वल टू सिग्मा थ्री सिग्मा टी, तो सिग्मा वन की वैल्यू हो गई, सिग्मा थ्री की वैल्यू निगेटिव पुट करेंगे निगेटिव आई थी तो आपको सिग्मा टी मिल जाएगा, सिग्मा टी आपको इतना मिल जाएगा। आप जानते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है, ये स्ट्रेस एट इलास्टिक लिमिट डिवाइडेड बाय सेफ स्ट्रेस परमिसिबल स्ट्रेस वर्किंग स्ट्रेस, इससे आप डिवाइड कर देंगे स्ट्रेस एट इलास्टिक लिमिट को तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकल आ जाएगा। तो ये कितना आएगा 220 डिवाइडेड बाय 137.5 तो ये 1.6 आपका निकल के आ जाएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं, अब हम देखेंगे प्रॉब्लम नंबर 12। देखिए इस प्रॉब्लम में क्या कह रहा है, ए शाफ्ट इज सब्जेक्टेड टू ए मैक्सिमम टॉर्क ऑफ 10 किलो न्यूटन मीटर एंड अ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ऑफ 7.5 किलो न्यूटन मीटर एट अ पर्टिकुलर सेक्शन, इफ द अलाउबल इक्विवेलेंट स्ट्रेस इन सिंपल टेंशन आपको दिया है 160 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, फाइंड द डायमीटर ऑफ द शाफ्ट अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, हमें डायमीटर निकालना है अकॉर्डिंग टू शियर स्ट्रेस थ्योरी निकालना है। तो देखिए टॉर्क आपको दिया है, बेंडिंग मोमेंट आपको दिया है और आपको अलाउबल इक्विवेलेंट स्ट्रेस आपको दिया हुआ है, सिंपल टेंशन मतलब सिग्मा टी की वैल्यू आपको दिया है, सेफ स्ट्रेस दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, हमको पहले क्या निकालना पड़ेगा प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालना पड़ेगा। तो सिग्मा वन इक्वल टू क्या होगा 16 डिवाइडेड बाय पाई डी क्यूब इन ब्रैकेट एम प्लस अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, सिग्मा टू आपका जीरो है, सिग्मा थ्री कितना आएगा 16 डिवाइडेड बाय पाई डी क्यूब प्लस की जगह यहाँ पे एम माइनस आ जाएगा अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। अब देखिए अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी तो फेलियर ऑफ ए मटेरियल कब होता है, जब सिग्मा वन माइनस सिग्मा थ्री की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू हो जाए सिग्मा टी स्ट्रिक के तो मटेरियल आपका फेल हो जाता है। ये क्या है कंडीशन फॉर फेलियर ऑफ ए मटेरियल है। और डिजाइन क्राइटेरिया आपका क्या होता है दैट इज सिग्मा वन माइनस सिग्मा थ्री इक्वल टू सिग्मा टी, ये आपका डिजाइन क्राइटेरिया है। अब इस वाले प्रॉब्लम में सिग्मा वन की वैल्यू देखिए हम क्या करेंगे सिग्मा वन की वैल्यू ये पुट कर लेंगे सिग्मा वन, ये देखिए यहाँ पे मैंने सिग्मा वन की वैल्यू पुट कर दी, सिग्मा थ्री की वैल्यू ये है, सिग्मा थ्री क्या है इट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेस, ये सिग्मा थ्री है। हो सकता है कि कभी सिग्मा टू यहाँ पे हम लिखे हैं, मिनिमम वैल्यू सिग्मा टू को बोलते हैं तो जो भी मिनिमम रहेगा उसको यहाँ पे आपको लिखना है इज इक्वल टू सिग्मा टी, सिग्मा टी आपको दिया है सेफ स्ट्रेस आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो अब देखिए इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको हम सॉल्व कर लेंगे माइनस कर लेंगे तो ये आ जाएगा 32 डिवाइडेड बाय पाई डी क्यूब इन ब्रैकेट अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर इक्वल टू 160। तो ये जो आपका प्रिंसिपल स्ट्रेस का जो फॉर्मूला है आपका, ये किस केस में जब आपको टॉर्क दिया रहा है बेंडिंग मोमेंट दिया रहा है तो इस तरीके से आप प्रिंसिपल स्ट्रेस निकाल लेंगे, वो वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर लेंगे। इसको देखिए आप थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे तो यू विल गेट द डायमीटर, ये डायमीटर आपका इतना आ जाएगा। ये जो आपने डायमीटर निकाला है
ये जो आपने डायमीटर निकाला है वो डायमीटर किसके अकॉर्डिंग निकाला है, अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी आपने निकाला है। इसकी जरूरत हमको नहीं पड़ी। अगर आपको पता करना है कि ये फेल होगा या नहीं होगा तो आप ये कंडीशन का यूज कर सकते हैं, इसकी जरूरत हमको नहीं पड़ी। तो ये कंडीशन आप ध्यान में रखिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला प्रॉब्लम देखते हैं। अब हम अगला प्रॉब्लम देखते हैं। इस प्रॉब्लम में ये कह रहा है ए हॉलो माइल्ड स्टील शाफ्ट हैविंग ए 100 mm एक्सटर्नल डायमीटर एंड 50 mm इंटरनल डायमीटर इज सब्जेक्टेड टू ए ट्विस्टिंग मोमेंट ऑफ 8 kN एंड बेंडिंग मोमेंट ऑफ 2.5 kN। कैलकुलेट द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस निकालना है। तो देखिए, हमने ये वाले फॉर्मूले का डेरिवेशन किया था। जब हमको बेंडिंग मोमेंट दे के रखे, ट्विस्टिंग मोमेंट दे के रखे और प्रिंसिपल, हमको प्रिंसिपल स्ट्रेसेस अगर आपको निकालना है, अगर सिग्मा वन निकालना है और सिग्मा टू निकालना है, तो फॉर्मूला क्या है, सिस्टीन डी आउटर डिवाइडेड बाय पाई डी आउटर टू द पावर 4 माइनस डी इनर टू द पावर 4 एम प्लस अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डी आउटर की वैल्यू पुट कर देंगे, डी इनर की वैल्यू पुट कर देंगे, बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू पुट कर देंगे, ये टॉर्क ट्विस्टिंग मोमेंट की वैल्यू आप पुट कर देंगे। किसमें पुट करिएगा, न्यूटन एमएम में पुट करिएगा, इसको भी न्यूटन एमएम में आप पुट करिएगा। तो आपको मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस की वैल्यू मिल जाएगी 59.19 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हम जानते हैं मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या होता है, दैट इज न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। पहले टॉपिक में हमने ये कन्वर्जन करना सीखा था। इसी तरह अगर आपको माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालना, तो ये प्लस की जगह आपका क्या आ जाएगा, खाली माइनस आ जाएगा। और आपको क्या करना है, ये वैल्यू पुट कर देना है, डी आउटर की, डी इनर की, ट्विस्टिंग मोमेंट की, बेंडिंग मोमेंट की, इसमें हम पुट कर देंगे तो यू विल गेट द माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस भी आपको मिल जाएगा। इसका सेकेंड पार्ट है जो क्वेश्चन में बोल रहा है, फाइंड द डायरेक्ट स्ट्रेस निकालिए विच एक्टिंग अलोन वुड प्रोड्यूस द सेम मैक्सिमम इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी, सेकंड मैक्सिमम इलास्टिक शियर स्ट्रेन एनर्जी एज दैट प्रोड्यूस बाय द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एक्टिंग टुगेदर, टेक पॉइजन्स रेशियो इक्वल टू 0.25। ये पॉइजन्स रेशियो लेना है। तो देखिए, हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम इलास्टिक स्ट्रेन थ्योरी, अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम इलास्टिक स्ट्रेन थ्योरी, इसके अकॉर्डिंग जब हमारा डिजाइन क्राइटेरिया क्या है, दैट इज सिग्मा वन का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा टू का होल स्क्वायर माइनस टू म्यू सिग्मा वन सिग्मा टू इक्वल टू सिग्मा टी का होल स्क्वायर। तो हमको ये सिग्मा टी की वैल्यू निकालना है अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी, ये इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हमको निकालना है। तो यहाँ पे देखिए, सिग्मा वन आप निकाल चुके हैं, सिग्मा टू की वैल्यू निकाल चुके हैं, म्यू की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया है, ये सारी वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर देंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ सिग्मा टी। और वही सिग्मा टी अगर आपको अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम इलास्टिक शियर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी निकालना है, तो देखिए ये वाला भी हमने डिजाइन क्राइटेरियन पढ़ा था, ये भी पढ़ा था। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, खाली सिग्मा वन सिग्मा टू सिग्मा थ्री की वैल्यू हमको पुट करते जाना है। तो यहाँ पे देखिए, सिग्मा वन निकाल चुके हैं, सिग्मा टू आप निकाल चुके हैं, सिग्मा थ्री आप जीरो पुट करेंगे, यहाँ पे जीरो पुट करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे तो सिग्मा टी आपका निकल के आ जाएगा कितना, 80.02 मेगा न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। तो बहुत ही सिंपल होते हैं ये प्रॉब्लम। ये फॉर्मूले का डेरिवेशन मैंने आपको टॉर्सन ऑफ शाफ्ट में पहले ही करा दिया था, ताकि इस चैप्टर में आपको दिक्कत ना जाए। फिर हम बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की ओर। अब हम प्रॉब्लम नंबर 17 देखते हैं। इस प्रॉब्लम में क्या कह रहा है, इन ए टू डायमेंशनल स्ट्रेस सिस्टम द डायरेक्ट स्ट्रेसेस ऑन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन आपको दिया हुआ है 120 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड सिग्मा मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दीज प्लेन्स आल्सो कैरीज शियर स्ट्रेस ऑफ 40 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इफ द फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑन द इलास्टिक लिमिट आपको दिया है, दैट इज 3, फाइंड the value of sigma when shear strain energy is minimum। हमें sigma कब निकालना, जब shear strain energy क्या रहे, minimum रहे। Second,
द इलास्टिक लिमिट ऑफ द मटेरियल इन सिंपल टेंशन. हमको इलास्टिक लिमिट ऑफ द मटेरियल भी निकालना है, इन सिंपल टेंशन निकालना है, तो हम निकालते हैं. तो देखिए, शियर स्ट्रेन एनर्जी आपकी मिनिमम कब रहती है, पहले ये कंडीशन देखें. देखिए क्या क्या निकालना, द वैल्यू ऑफ सिग्मा व्हेन शियर स्ट्रेन एनर्जी इज मिनिमम. देखिए शियर स्ट्रेन एनर्जी मिनिमम कब रहती है, जब डी यू अपॉन डी सिग्मा इक्वल टू जीरो हो जाए तो शियर स्ट्रेन एनर्जी आपको क्या मिलेगी, मिनिमम मिलेगी. अगर इसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू शियर स्ट्रेस इक्वल टू जीरो हो जाए तो आपको क्या मिलेगा, शियर स्ट्रेन एनर्जी आपको मिनिमम मिलेगा. देखिए आप जानते हैं प्रिंसिपल स्ट्रेस का फॉर्मूला जानते हैं, सिग्मा वन इज इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू प्लस अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर. ये आपने पहले चैप्टर में देखा था, इट इज द मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस. यहाँ पे आप माइनस लगा देंगे तो सिग्मा टू आ जाएगा, इट इज द माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस. आपको देखिए सिग्मा एक्स की वैल्यू दिया है और सिग्मा वाई कितना बोल रहा है, दैट इज सिग्मा के जितना है. टाउ एक्स वाई आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, दैट इज 40. टाउ एक्स वाई इज गिवन इन द प्रॉब्लम, दैट इज 40 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इट इज गिवन. तो वो वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक. और इस वैल्यू को पुट करने के बाद इस पूरी वैल्यू को मैंने एक्स लिख दिया है, तो सिग्मा वन की वैल्यू आप क्या आ जाएगी, 120 प्लस सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 प्लस सिग्मा एक्स. सिग्मा 2 की वैल्यू निकालने के लिए प्लस की जगह यहाँ पे मैंने माइनस लिख दिया है, सिग्मा एक्स की जगह 120, सिग्मा वाई की जगह सिग्मा पुट कर दिया, और इस पूरे वैल्यू को मैंने क्या ले लिया, एक्स ले लिया है, ताकि हमारा सोल्यूशन, हमारा इक्वेशन आराम से सॉल्व हो जाए. तो देखिए सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की वैल्यू आपने निकाल लिया, ये एक्स के टर्म में आपने निकाल लिया है. तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू मैंने कितना पुट करा है, कितना लिख लिया है, अंडर रूट ऑफ 120 माइनस सिग्मा बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस 40 का होल स्क्वायर. तो देखिए सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की वैल्यू सिग्मा के टर्म में आपको मिल गया. अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं. देखिए शियर स्ट्रेन एनर्जी इज गिवन बाय, शियर स्ट्रेन एनर्जी का ये फॉर्मूला है, 1/12c इन ब्रैकेट सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 1 का होल स्क्वायर. 2d के लिए क्या रहेगा, सिग्मा 3 की वैल्यू 0 हो जाएगी, सिग्मा 3 को आप 0 कर देंगे तो जहां जहां सिग्मा 3 है वहां पे मैंने 0 लिख दिया, यहां 0 लिख दिया, यहां 0 मैंने लिख दिया. तो देखिए आपकी इक्वेशन ये बन जाएगी, u इज इक्वल टू 1/12c इन ब्रैकेट सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा 1 का होल स्क्वायर. यहां पे देखिए हमें सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 की वैल्यू निकालना पड़ेगा, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, तो ये सिग्मा 1 है आपका और ये सिग्मा 2 है. तो देखिए सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 मैंने करा, इन दोनों को मैंने माइनस कर दिया. जब इन दोनों को माइनस कर देंगे तो ये सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 2x आ जाएगा. तो देखिए ये जो आपकी इक्वेशन है, यहाँ पे सिग्मा x माइनस सिग्मा 2 की वैल्यू मैं 2x पुट कर दूंगा, तो देखिए यहाँ पे मैंने 2x पुट कर दिया, बाकी की वैल्यू मैंने जैसी यहाँ पे लिखी है वैसी यहाँ पे मैंने लिख दिया. इसको मैंने क्या करा, 0 0 को मैंने हटा दिया, तो u की वैल्यू आपको मिल गई 1/12c इन ब्रैकेट 4x स्क्वायर प्लस अंडर रूट सिग्मा 1 का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 का होल स्क्वायर. अब यहाँ पे हमको सिग्मा 1 का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 का होल स्क्वायर की वैल्यू भी पुट करनी पड़ेगी. बाद में मैं x की वैल्यू जो हमने वहाँ पे ले लिया था उसको भी बाद में यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा. अब देखिए मैं सिग्मा 1 का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 का होल स्क्वायर की वैल्यू निकाल रहा हूँ. देखिए ये आपका सिग्मा 1 है, ये सिग्मा 2 है. सिग्मा 1 का होल स्क्वायर करा, ये इक्वेशन का भी होल स्क्वायर हो गया. सिग्मा 2 का होल स्क्वायर करा तो इसका भी होल स्क्वायर हो गया. मैंने लिखा सिग्मा 1 का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 का होल स्क्वायर, इन दोनों का होल स्क्वायर को मैंने जोड़ दिया. जब इन दोनों को जोड़ देंगे तो आपको ये मिलेगा 2 ब्रैकेट में 120 प्लस सिग्मा बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. अब ये जो सिग्मा 1 का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 का होल स्क्वायर आया है उसको मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा. इस वाली इक्वेशन में देखिए मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, ये जो वैल्यू निकाल लिया है. तो देखिए आपकी यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट कर दिया तो ये पूरी वैल्यू यहाँ पे आ गई. इसको अपन थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे तो यू की वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी, दैट इज 1/6c इन ब्रैकेट 3x स्क्वायर प्लस 120 प्लस सिग्मा बाई 2 का होल स्क्वायर.
अब यहाँ पे x की वैल्यू अपन पुट कर देंगे, यहाँ पे x स्क्वायर है। देखिए मैंने x की वैल्यू यहाँ पे कहाँ से ली है, ऊपर मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे इस पूरे वैल्यू को मैंने क्या लिख दिया था, x। तो x इज इक्वल टू क्या है, अंडर रूट ऑफ 120 माइनस सिग्मा बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस 40 का होल स्क्वायर, मतलब x स्क्वायर की वैल्यू आपकी इतनी आ जाएगी, अंडर रूट हट जाएगा। तो वही काम मैंने नीचे इक्वेशन में करा है, जिसको मैं सॉल्व करते गया। तो देखिए ये जो आपकी इक्वेशन है, इस इक्वेशन में ये जो एक्स स्क्वायर आपका आ रहा है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह मैंने ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, ये वैल्यू मैंने पुट कर दी, तो आपकी ये इक्वेशन बन जाएगी। इसको आप फिर से क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे, और इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व कर लेंगे तो यू की आपको ये वाली इक्वेशन मिल जाएगी। आप जानते हैं शियर स्ट्रेन एनर्जी मिनिमम कब मिलती है, जब डी यू बाई डी सिग्मा इक्वल टू जीरो होता है। आप इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू डी सिग्मा, सिग्मा के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, सिग्मा स्क्वायर कितना आ जाएगा, 2 सिग्मा आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 120, बाकी ये जीरो हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन करें आपने डी सिग्मा के टर्म में, तो ये आपका इतना आ गया। तो सिग्मा की वैल्यू आपने निकाल ली, सिग्मा की वैल्यू कितनी आई, 60 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ गई। अब सिग्मा आ गया तो आप सिग्मा वन और सिग्मा टू की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, ठीक, सिग्मा वन सिग्मा टू निकाल सकते हैं। सिग्मा वन आप कैसे निकालेंगे, आपकी ये इक्वेशन है मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस की, 120 प्लस सिग्मा बाय 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 120 माइनस सिग्मा बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस 40 का होल स्क्वायर। सिग्मा की जगह आप ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, तो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस की वैल्यू इतनी आ जाएगी। फिर माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस में क्या होता है, प्लस की जगह यहाँ पे माइनस आ जाता है। फिर सिग्मा की वैल्यू यहाँ पे भी देखिए मैंने पुट कर दी, तो माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा टू की वैल्यू भी आपकी निकल के आ गई। हमें तो क्या निकालना है, सेफ स्ट्रेस, हमें इलास्टिक लिमिट पे स्ट्रेस निकालना है, इलास्टिक लिमिट पे स्ट्रेस कितना आएगा। तो देखिए हम डिजाइन क्राइटेरियन जानते हैं किसके लिए, मैक्सिमम शियर स्ट्रेन एनर्जी के लिए जानते हैं। क्या जानते हैं, सिग्मा वन का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा टू का होल स्क्वायर माइनस सिग्मा वन सिग्मा टू इक्वल टू सिग्मा टी का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखिए आपने सिग्मा वन निकाल चुके हैं, दिस मच सिग्मा टू आप निकाल चुके हैं, दैट इज 40 माइनस 140 इंटू 40 इक्वल टू सिग्मा टी का होल स्क्वायर। इट इज द सेफ स्ट्रेस, इट इज द परमिसिबल स्ट्रेस, तो सेफ और परमिसिबल स्ट्रेस की वैल्यू आ गई। लेकिन हमें तो स्ट्रेस एट इलास्टिक लिमिट निकालना है, तो देखिए स्ट्रेस एट इलास्टिक लिमिट निकालना है तो सेफ स्ट्रेस में क्या करेंगे, फैक्टर ऑफ सेफ्टी का मल्टीप्लाई कर देंगे। फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्वेश्चन में दिया हुआ है, दैट इज 3, तो 3 का मल्टीप्लाई हमने इसमें कर दिया, तो स्ट्रेस एट इलास्टिक लिमिट आपका इतना निकल के आ जाएगा। आप लोग ये सारी इक्वेशन में को कैलकुलेटर में पुट करके ये सारी वैल्यूज निकालिएगा, तो आपको इतनी वैल्यूज ये मिल जाएगी। फिर हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। अब हम प्रॉब्लम नंबर 18 देखते हैं। क्या बोल रहा है, डिटरमाइन द डायमीटर ऑफ द बोल्ट विच इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल पुल ऑफ 12 किलोन्यूटन टुगेदर विद ए ट्रांसवर्स शियर फोर्स ऑफ 6 किलोन्यूटन व्हेन द इलास्टिक लिमिट इज, टेंशन आपको दिया है 300 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया है 3 और पॉइजन्स रेशियो दिया है। अब डायमीटर अपने को निकालना है अकॉर्डिंग टू दिस 5 थ्योरीज। तो इस तरीके का प्रॉब्लम हम पहले कर चुके हैं, फिर से देख लेते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे एक्सियल पुल इज गिवन, एक्सियल पुल कितना दिया है 12,000, यहाँ पे इसने दिया था 12 किलो न्यूटन, तो मैंने 12,000 न्यूटन ले लिया, इसको कितना था 12 किलो न्यूटन, और ये 6 किलो न्यूटन है तो 6,000 न्यूटन ले दिया। ये 300 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर है, सिग्मा टी एस्ट्रिक के वैल्यू, फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपको दिया है। तो इससे पहले अपन सेफ स्ट्रेस निकाल लेते हैं, इससे पहले हम सेफ स्ट्रेस निकाल लेते हैं। तो सेफ स्ट्रेस कैसे निकालेंगे, स्ट्रेस एट इलास्टिक लिमिट को डिवाइड कर देंगे फैक्टर ऑफ सेफ्टी से, तो 3 से डिवाइड कर दिया तो सेफ स्ट्रेस आ गया 100 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। अब टेंजाइल स्ट्रेस निकालना है तो एक्सियल पुल को आपको लेना पड़ेगा। स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स पर यूनिट रेजिस्टिंग एरिया, एरिया क्या लिखेंगे, पाई बाय 4 डी स्क्वायर। फोर्स कौन सा लेंगे, एक्सियल फोर्स लेंगे, क्योंकि टेंजाइल स्ट्रेस निकाल रहे हैं। तो इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे तो टेंजाइल स्ट्रेस की वैल्यू आपकी इतनी निकल के आ जाएगी। इसके बाद आपको क्या करना है, शियर स्ट्रेस निकालना है,
तो शेयर फोर्स को लेना पड़ेगा। तो शेयर फोर्स आपको कितना दिया हुआ है, दैट इज 600 न्यूटन दिया, डिवाइडेड बाय एरिया पाई बाय 4d स्क्वायर कर देंगे तो शेयर स्ट्रेस की वैल्यू इतनी निकल के आ जाएगी। तो आपने क्या किया, एक्सियल पुल से टेंजाइल स्ट्रेस निकाल लिया, शेयर फोर्स से शेयर स्ट्रेस निकाल लिया। अब अपने को डायमीटर निकालना, तो पहले प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालना पड़ेगा। हम प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालने का फॉर्मूले का डेरिवेशन ये वाला कर चुके हैं, ठीक। तो सिग्मा वन एंड सिग्मा टू निकालना, तो क्या है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। तो देखिये, सिग्मा एक्स आपका सिग्मा के जितना है, सिग्मा वाई आपका जीरो है, टाउ एक्स वाई टाउ के जितना है। तो सिग्मा वाई को आप जीरो कर देंगे तो आपका ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा, सिग्मा एक्स की जगह मैंने सिग्मा लिख दिया है। जब प्लस वाली वैल्यू आप यहाँ पे लेंगे तो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस निकल के आएगा, जब माइनस वाली वैल्यू लेंगे तो माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस निकल के आएगा। अब देखिए, हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, सिग्मा वन की वैल्यू हम ये निकाल चुके हैं, ये वाली वैल्यू, और टाओ की वैल्यू भी ये निकाल चुके हैं, तो सिग्मा वन और टाओ की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। जब यहाँ पे मैं प्लस वाली वैल्यू लूंगा इसको सॉल्व करके, तो सिग्मा वन की वैल्यू आपकी इतनी निकल के आ जाएगी। जब मैं माइनस लगाऊंगा यहाँ पे तो माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस आएगा, सिग्मा टू आएगा, वो सिग्मा टू की वैल्यू इतनी आपकी आ जाएगी। आप इसको खुद से जरूर सॉल्व करिएगा कैलकुलेटर में और ये वाली वैल्यू निकालिएगा। अब देखिए, आपको सिग्मा वन मालूम हो गया, सिग्मा टू मालूम हो गया, तीसरा प्रिंसिपल स्ट्रेस हम जीरो लेंगे। तो ये सिग्मा वन, सिग्मा टू और जीरो, आपको तीनों प्रिंसिपल स्ट्रेस यहाँ पे मिल गए। अब हमें तो डायमीटर निकालना है अकॉर्डिंग टू ऑल दीज फाइव थ्योरीज। तो देखिए, पहला हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, क्राइटेरियन ऑफ डिजाइन क्या है, इससे क्या लिखते हैं, सिग्मा वन इज इक्वल टू सिग्मा थ्री। सिग्मा वन क्या, इट इज द मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड दिस इज द सेफ स्ट्रेस। इन दोनों को इक्वेट कर देंगे हम और डायमीटर आपका निकल आएगा। जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके सॉल्व कर लेंगे तो अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी डायमीटर आपका इतना आएगा। सेकंड, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी से आपको डायमीटर निकालना है, तो डिजाइन क्राइटेरियन आप जानते हैं, दैट इज सिग्मा वन माइनस म्यू टाइम सिग्मा टू प्लस सिग्मा थ्री इक्वल टू सिग्मा टी आपका होता है। तो सिग्मा वन की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया, म्यू की वैल्यू पुट कर दिया, सिग्मा टू पुट कर दिया, सिग्मा थ्री तो आपका जीरो है, इज इक्वल टू सिग्मा टी कर दिया। इसको जब आप कैलकुलेटर में सॉल्व कर लेंगे तो डायमीटर आपका आ जाएगा 13.925 mm। तो ये जो डिजाइन क्राइटेरियन है उसको आपको ध्यान में होना चाहिए, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी के लिए ये है, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी के लिए ये है। अब मैक्सिमम प्रिंसिपल शियर स्ट्रेस थ्योरी के लिए हम देखते हैं और डायमीटर निकालते हैं। तो देखिए, इसके लिए क्या है, सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू इक्वल टू सिग्मा टी है। देखिए, ये क्या होना चाहिए, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस होगा, इट इज द माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस होगा। तो यहाँ पे माइनर कौन सा है, तो देखिए सिग्मा टू आपका माइनर है क्योंकि सिग्मा थ्री आपका जीरो, ये जीरो से भी कम है क्योंकि ये निगेटिव है। अगर सिग्मा थ्री की वैल्यू ये रहती तो यहाँ पे सिग्मा थ्री वाली वैल्यू लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखना है, मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस लिखना है, वो सिग्मा टू भी हो सकता है, सिग्मा थ्री भी हो सकता है, और यहाँ पे मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस आपको लिखना है, जनरली हम वो सिग्मा वन लिखते हैं। तो देखिए, सिग्मा टू आपका क्या है, कॉम्प्रेसिव है, निगेटिव आ रहा है, तो निगेटिव वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। सिग्मा वन पुट कर दिया, सिग्मा टू पुट कर दिया, सिग्मा टी इज अवर 100, इट इज द सेफ स्ट्रेस, परमिसिबल स्ट्रेस, इससे आपका डायमीटर निकल के आ जाएगा 14.7 mm। तो आपने ये तीन थ्योरी के अकॉर्डिंग आपने डायमीटर निकाल लिया। दो थ्योरी और है, उसके अकॉर्डिंग भी हमको निकालना है। अगली जो थ्योरी है, दैट इज मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी। आप जानते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी अगर आपको डायमीटर निकालना है तो ये आपका डिजाइन क्राइटेरियन है, दैट इज सिग्मा वन का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा टू का होल स्क्वायर माइनस टू म्यू सिग्मा वन सिग्मा टू इक्वल टू सिग्मा टी का होल स्क्वायर, इट इज द सेफ स्ट्रेस। इसमें आपने क्या करा, सिग्मा वन की वैल्यू सिग्मा टू की वैल्यू पुट कर दी, म्यू की वैल्यू पुट कर दी, सिग्मा वन और सिग्मा टू की वैल्यू पुट कर दी, सिग्मा टी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर ली। इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लेंगे तो डायमीटर आपका आ जाएगा 14.02 mm। इसी तरह मैक्सिमम प्रिंसिपल शियर स्ट्रेन एनर्जी स्ट्रेन थ्योरी, इसके अकॉर्डिंग अगर आपको निकालना है तो ये डिजाइन क्राइटेरियन आप जानते हैं,
इसमें आपको क्या करना है, सिग्मा वन सिग्मा टू पुट करना है, यहाँ पे सिग्मा टू सिग्मा थ्री तो जीरो है तो हटा दिया मैंने, सिग्मा थ्री जीरो है, सिग्मा वन का होल स्क्वायर करेंगे तो माइनस का होल स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस आ जाएगा। तो ये इसमें सारी वैल्यू मैंने पुट कर दी, इसको जब आप कैलकुलेटर में सॉल्व कर लेंगे तो यू विल गेट द डायमीटर। तो हमने ये डायमीटर निकाला अकॉर्डिंग टू दीज फाइव थ्योरी। तो आपको ये खाली कंडीशन याद होनी चाहिए तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। फिर हम बढ़ते अगले प्रॉब्लम की ओर। अब हम देखेंगे प्रॉब्लम नंबर 23। देखिए क्या बोल रहा है, इन ए स्टील मेंबर एट अ पॉइंट द मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस आपको दिया है 180 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड द माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस इज कंप्रेसिव। माइनर आपको बोला है कि ये क्या है, कंप्रेसिव है। इफ द यील्ड पॉइंट ऑफ द स्टील इज 225 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर फाइंड द वैल्यू ऑफ माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस एट विच यील्डिंग विल कमेंस अकॉर्डिंग टू ईच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया ऑफ फेलियर। तो मैक्सिमम शेयरिंग स्ट्रेस से देखना है, मैक्सिमम टोटल स्ट्रेन एनर्जी से देखना है, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेन एनर्जी से देखना है, टेक पॉइजन्स रेशियो इतना लेना है। ठीक, प्रॉब्लम पे आते हैं हम। तो देखिए इस वाले प्रॉब्लम में आपको सिग्मा वन आपको दिया हुआ है, सिग्मा टू आपसे पूछा है, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस की वैल्यू आपको पूछा है, सिग्मा टी एस्ट्रिक आपको दिया हुआ है, स्ट्रेस एट इलास्टिक लिमिट आपको दिया हुआ है। अब देखिए इस वाले प्रॉब्लम में फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपको नहीं दिया हुआ है, तो जो सेफ स्ट्रेस है और स्ट्रेस एट इलास्टिक लिमिट है दोनों को अपन बराबर कंसिडर करेंगे। अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी नहीं दिया हुआ है तो सेफ स्ट्रेस या परमिसिबल स्ट्रेस विल बी इक्वल टू हो जाएगा स्ट्रेस एट इलास्टिक लिमिट हो जाएगा। अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया रहता तो इसको अपन क्या करते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर देते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर देते तो आपका सेफ स्ट्रेस आ जाता। चूंकि नहीं दिया है इसलिए हमारा सेफ स्ट्रेस विल बी इक्वल टू स्ट्रेस एट इलास्टिक लिमिट। अब देखिए हमें क्या करना है, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस की वैल्यू निकालना है। तो देखिए अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी अगर निकालना है तो ये आपका डिजाइन क्राइटेरिया आप जानते हैं, सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू इक्वल टू सिग्मा टी होता है, ये मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस होता है, ये माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस होता है। तो हमने लिखा सिग्मा वन आपको दिया है, सिग्मा टू आपको निकालना है, सिग्मा वन ये सिग्मा टू निकालना है, सिग्मा टी ये 225 है तो इससे सिग्मा टू आपका आ गया -45 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये सिग्मा टू आया अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी। अब हमको निकालना है अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी के अकॉर्डिंग हमको निकालना है। तो ये डिजाइन क्राइटेरिया आप जानते हैं, सिग्मा वन का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा टू का होल स्क्वायर माइनस टू म्यू सिग्मा वन सिग्मा टू इक्वल टू सिग्मा टी का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखिए सिग्मा वन आप पुट कर देंगे, सिग्मा टू आपको निकालना है, म्यू के वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है दैट इज 0.26, फिर यहाँ पे सिग्मा वन लिख दिया, सिग्मा टू लिख दिया, सिग्मा टी आपको लिख दिया। देखिए ये आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, ये देखिए सिग्मा टू का होल स्क्वायर यहाँ पे आ रहा है, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की दो वैल्यूज आएंगे, एक पॉजिटिव आएगी एक निगेटिव आएगी, तो निगेटिव वाला हमारा आंसर होगा क्योंकि उसने क्वेश्चन में बोला है कि जो मिनिमम माइनर स्ट्रेस है वो कैसा आएगा, कंप्रेसिव आएगा। देखिए बोला इसने क्या बोला है, एंड द माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस इज कंप्रेसिव, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या आएगा, कंप्रेसिव आएगा। तो जब आप ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे ठीक है, तो उसमें दो वैल्यू आएगी, एक पॉजिटिव आएगी एक निगेटिव आएगी, तो निगेटिव वाले को आप आंसर बोलेंगे। तीसरा अपने को निकालना है माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालना है अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम शियर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी। तो ये डिजाइन क्राइटेरियन आपने आज देखा है, दैट इज सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा टू माइनस सिग्मा थ्री का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा थ्री माइनस सिग्मा वन का होल स्क्वायर इक्वल टू टू इंटू सिग्मा टी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आप सारी वैल्यूज पुट कर देंगे, यहाँ पे सिग्मा वन पुट कर दिया, सिग्मा टू निकालना है, सिग्मा टू निकालना है, सिग्मा थ्री आपका जीरो है, सिग्मा थ्री आपका जीरो है, सिग्मा वन आपको दिया है 180, सिग्मा टी मैंने सिग्मा टी एस्ट्रिक के जितना लिखा क्योंकि फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपको नहीं दिया है। तो देखिए ये भी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी,
इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी दो वैल्यूज निकलेंगे, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। तो निगेटिव वैल्यू विल बी योर आंसर, क्योंकि माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस उसने क्या बोला है कि वो कंप्रेसिव आएगा, तो टेंजाइल विल बी पॉजिटिव सो कंप्रेसिव विल बी निगेटिव, तो निगेटिव वाला जो वैल्यू रहेगी दैट विल बी योर आंसर। तो जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ सिग्मा 2।